ओके, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी की सबसे स्मॉलेस्ट डेफिनेशन ये है कि अरेंजमेंट ऑफ टाइप। ठीक, टेक्स्ट की अरेंजमेंट जो है वो क्या है? टाइपोग्राफी। टेक्स्ट की अरेंजमेंट का मतलब ये है कि इस तरह आप टेक्स्ट को अरेंज करें कि टेक्स्ट अच्छा लगे। सही। अब वो टेक्स्ट चाहे ब्रोशर पे हो, फ्लायर पे हो, बिजनेस कार्ड पे हो, डिज़ाइनिंग वाला हो, कैलीग्राफी हो, कोई भी तरीके का हो, मगर वो टेक्स्ट अच्छी तरह मैनेज हुआ हुआ होगा तो वो टेक्स्ट जो है वो टाइपोग्राफी कहलाएगा। सही है। अच्छा, अगर हम नेट पे जो है वो टाइपोग्राफी चेक करें तो वहाँ पे ज़रा टाइपोग्राफी का मीनिंग डिफरेंट दिखता है। बहरहाल गलत तो वो भी नहीं है। हमें यहाँ पे, खैर ये डेफिनेशन भी आ गई थी वैसे, टाइपोग्राफी इज एन आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग ए टाइप एंड मेक रिटन लैंग्वेज रीडेबल। ठीक है, और इस तरह। खैर, आ जाइए कहाँ पे, इमेजेस पे। लेकिन यहाँ पे जो हमें टाइपोग्राफी का मकसद समझ में आता है उसका मतलब ये है कोई डिज़ाइन अगर हम करते हैं तो वो टाइपोग्राफी है, मगर सिर्फ ये नहीं है कि आपने डिज़ाइन ही बनाना है टाइपोग्राफी में, बस ऐसा नहीं। आप कोई भी ऐड देखें, लास्ट टाइम हमने शायद देखा था उसका माईफाई का ऐड देखा था, या उससे पहले और कोई ऐड देखे थे। खैर, बाहर अगर आप देखें तो बाहर बोर्ड पे भी आपको जो टेक्स्ट नज़र आता है वो क्या है? टाइपोग्राफी है, चाहे वो उर्दू है चाहे वो इंग्लिश है। सही ना। आसान बात ये है कि जिस तरह आप टेक्स्ट लिखेंगे वो टाइपोग्राफी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी की ज़रा समझेंगे, टाइप क्या है, टाइप के क्लासिफिकेशंस क्या हैं और उसको यूज़ किस तरह करेंगे। टेक्स्ट की जो दो मेन टाइप्स हैं चाहिए, मैं इंग्लिश टाइपोग्राफी की बात कर रहा हूँ। सही, तो बहुत सारी हो सकती हैं। अच्छा, डिज़ाइन के रूल्स आपको पता है कि कोई फिक्स नहीं होते। ये कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उन्होंने जो है ना वो एक रूल बना दिए कि भाई ये डिज़ाइनिंग के, तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रूल्स हैं। सही। तो अगर हम टेक्स्ट को देखें तो टेक्स्ट में भी आपको डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। आपको क्या ख्याल है, टेक्स्ट के फॉन्ट्स के कितने टाइप के फॉन्ट हो सकते हैं? समझ में आया कुछ? जैसे अगर हैं बहुत सारे हो सकते हैं, मगर मैं उसकी बात नहीं कह रहा। ठीक है, फॉन्ट्स ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, मगर उनके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हम ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो हम अगर हम कर बात करें कि भाई ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं, वेक्टर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? वो इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, ठीक है, फ्री हैंड है, या इसके अलावा, तो उन सबको मिला के हम कहते हैं वेक्टर सॉफ्टवेयर। तो वेक्टर सॉफ्टवेयर में क्या होगा, वेक्टर कैटेगरी के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ सकते हैं। इसी तरह फॉन्ट्स की तो अनलिमिटेड टाइप हैं। जैसे अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, ये तो सिर्फ मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं। सही है। और इसके अलावा मतलब हज़ारों जो है ना वो आपको नेट पे मिल जाएंगे, मगर इनको जो क्लासिफाई किया हुआ है, या कह लें कि कैटेगराइज किया हुआ है, वो किस तरह किया हुआ है इन्होंने, पहला वाला जो है इसको कहते हैं सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट कौन से होते हैं? जिसके आगे जो है वो एजेस होते हैं। देखिए, इनके आगे तो एज नहीं है, मगर इसके आगे एज है। तो जिसके आगे ये देखिए रेड रेड इन्होंने बनाया हुआ है कि जो यहाँ से थोड़ा सा ये पॉइंट निकला हुआ है, ये जो है वो कौन से फॉन्ट कहलाते हैं? सेरिफ, SERIF।
सेंस सेरिफ फॉन्ट कौन से होते हैं जिसके एजेस नहीं निकले हुए हों? ये देखिए ई में आपको समझ में आ रहा है, जिसके एजेस नहीं है वो कौन सा है? सैन सेरिफ, और जिसके एजेस हैं वो हैं सेरिफ। सही, तो अब यहाँ पे ये वाला फॉन्ट बताएं कौन सा है? सैन सेरिफ। ठीक है, कुछ कैटेगरी बनाइए एक, उस पर जो है वो लिखें कि सेरिफ सैन सेरिफ फॉन्ट्स की कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं। फ़ॉन्ट के नाम से आपने एक फ़ॉन्ट का नाम सुना है, एरियल फ़ॉन्ट। एरियल फ़ॉन्ट कौन सा वाला फ़ॉन्ट होगा? सेरिफ सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ लिख लें एरियल। ये वाला फॉन्ट लिखिएगा, इसका नाम है हेल्वेटिका, HELVETICA। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? इसके अलावा एक लिखिएगा मायरेट प्रो, MYRID, मायरेट प्रो, प्रो PRO। हेलवेटिका हो गया, एरियल हो गया, मायरेट प्रो हो गया, ये सब कौन से हो गए? सेंस सेरिफ। सेरिफ की कौन कौन सी टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहली एग्जाम्पल जो है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल जो है उसकी कौन सी है? टाइम्स न्यू रोमन। ये कह रहा है मेन मेन जो फॉन्ट्स होते हैं, ये वो फॉन्ट्स हैं जो आपको जहन में होने चाहिए, सेरिफ और सेंस सेरिफ। बाकी तो हज़ारों लाखों टाइप्स होंगी, फॉन्ट्स हज़ारों मिलेंगे आपको, मगर इन्हीं फॉन्ट्स की कैटेगरी में जो है ना वो बिलोंग करेंगे। ये कौन सी कैटेगरी? ये जो फॉन्ट मैं नाम बता रहा हूँ ये क्या चीज़ें, ये उसकी एग्जाम्पल है। यानी कि वो कहते हैं ना भाई, ठीक है बहुत सारे स्कूल हैं मगर मेन मेन स्कूल कौन से, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मगर मेन प्रोडक्ट कौन सी है इस कंपनी की, वो। इसके अलावा कौन सा लिखिए आप? टाइम न्यू रोमन हो गया, इसके अलावा आप टाइम न्यू रोमन के अलावा अभी याद आता है तो बताता हूँ। टाइम न्यू रोमन तो आपने लिख लिया ना, ये भी काफ़ी है। इसके अलावा कोई और जहन में आता है बताता हूँ, ये हैं तो सही मगर वो नहीं। कोरियल लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेंस सेरिफ, ओ सॉरी सॉरी, सेरिफ फॉन्ट। सेंस सेरिफ तो आपके एरियल, हेल्वेटिका हो गए ना, और मायरेट प्रो हो गए सेंस सेरिफ, जिसके एजेस नहीं है। सेरिफ कौन कौन से हो गए? टाइम न्यू रोमन हो गया, इसके अलावा और बता दो, और वो बुक एंटीग्राम, एक
वाला लिख लीजिए, BOOK बुक, ANTIQUA। BOOK बुक, ANTIQUA। ये कौन से सेरिफ फॉन्ट। ये दो तो मेन टाइप हो गई आपकी फॉन्ट्स की। इसके अलावा कौन सा फॉन्ट है, इसके अलावा इसके अलावा जो है वो कौन सा फॉन्ट है, इसके अलावा है डेकोरेटिव फॉन्ट। डेकोरेटिव लिखा, जरा रिवाइज करते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया होगा। देखिए टाइपोग्राफी क्या है, टेक्स्ट की अरेंजमेंट है, सही। अब टेक्स्ट मतलब ये क्या फॉन्ट ना आपका, क्योंकि इंग्लिश में आप जाहिर है फॉन्ट लिखेंगे, कोई सा फॉन्ट होगा। उस फॉन्ट की कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, सेरिफ है और सैंस सेरिफ है। उनकी कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं सेरिफ की, मैंने आपको लिखवा दी कुछ सेरिफ की एग्जाम्पल, सैंस सेरिफ की कुछ एग्जाम्पल लिखवा दी। इसके बाद तीसरी टाइप जो है वो कौन सी है, डेकोरेटिव। ये तीसरी फॉन्ट की टाइप है, वेबडिंग फॉन्ट। याद है किसी को वेबडिंग में क्या होता है, फॉन्ट नहीं होता मगर कुछ आइकन्स होते हैं, कुछ डिज़ाइन होता है, तो वो वाले फॉन्ट जो हैं वो कहलाएंगे डेकोरेटिव फॉन्ट। एग्जाम्पल में लिख लिया डेकोरेटिव की एग्जाम्पल में, वेबडिंग। इसके अलावा जो है वो कौन सा जो है वो है फॉन्ट की टाइप, उसका नाम है स्क्रिप्ट, SCRIPT। स्क्रिप्ट फॉन्ट, स्क्रिप्ट फॉन्ट कौन से होते हैं, रनिंग फॉन्ट होते हैं, जैसे जैसे हैंड राइटिंग। समझ गए, कर्व जो है वो फॉन्ट की टाइप्स होते हैं, सही। तो ये चार मेन जो है ना वो आपके फॉन्ट्स की टाइप्स हैं, कैटेगरी है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे जो है वो ब्लैक फॉन्ट है, जैसे ये वाला ब्लैक फॉन्ट है, या इसके अलावा और ये वाला कौन सा है सेरिफ, ये वाला सैन सेरिफ, इसकी एज नहीं है सेरिफ, है ना। अब देखें फॉन्ट का नाम कोई भी हो मगर कैटेगरी जो है वो सेरिफ कहलाएगी,
ये वाली समझ रहे हैं, मुख्तलिफ टाइप के फॉन्ट हो सकते हैं। जैसे ये वाला फॉन्ट देखें, इसके एजेस नहीं है तो ये क्या होगा, सेंस सेरिफ होगा, ठीक है ना। मगर फॉन्ट कोई भी हो सकता है। अब हमें कुछ अगर फॉन्ट्स चाहिए हों तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट हो सकती हैं, मगर एक अच्छी वेबसाइट है डीए फॉन्ट, बताई थी इससे पहले। डीए फॉन्ट में देखिए बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, मगर ये कोई वो नहीं है, जैसे कार्टून है, आप कार्टून कोई कैटेगरी है ना ही, कोई फैंसी कोई कैटेगरी है, सही है। अब कार्टून में पॉसिबल है कि जो है ना वो डेकोरेटिव फॉन्ट हो, कोई आइकन्स बने हुए हो, कोई शेप बने हुए हो। ये वाला कौन सा फॉन्ट है, स्क्रिप्ट। हम क्या करते हैं कि यहाँ से सेंस सेरिफ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए सेंस सेरिफ में आपको सारे कौन से नज़र आ रहे हैं, इसके एजेस नहीं हैं, मगर इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर कुछ लिखते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है और इसको सबमिट कर दें, तो क्या होगा कि नीचे आपके फॉन्ट भी उसी तरह आपको लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। तो जो सा आपको अच्छा लगे वो वाला डाउनलोड कर लें। या इसके अलावा सेरिफ में चेक करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल में ये वाला अच्छा लग रहा है, क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फ्री फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे तो खैर कोई कॉपीराइट का ख्याल नहीं रखता, मगर ऑथर ने ये क्या रखा हुआ है, ऑथर जिसने बनाया है ये वाला फॉन्ट, उसकी मर्ज़ी है कि वो क्या करता है। तो उसने यहाँ रखा हुआ है कि आप कमर्शियली यूज़ ना करें, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं अपने पोर्टफोलियो में यूज़ करना है तो कर लें, मगर अगर आपको कोई कंपनी के लिए किसी अटेंडिंग एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं या वैसी कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप यूज़ नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या करेंगे, ठीक है। तो ये है, मगर बाहर जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपने ये चीज़ें सही नहीं की हुई। सही नहीं से मतलब ये है कि अगर आप नहीं देखें यहाँ, अच्छा कुछ जगह तो ऐसा होता है कि ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 100% फ्री। 100% फ्री का मतलब ये कि कोई मसला नहीं, आप जहाँ मर्जी आए यूज़ कर लें, ठीक है ठीक है। मगर कुछ जगह ऐसा भी होगा जहाँ पे उन्होंने नॉन कमर्शियल यूज़ लिखा हुआ होगा, या कुछ और मेंशन किया होगा, नहीं खैर इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। तो वो वाले फॉन्ट में प्रॉब्लम ये होगा कि वो कॉपीराइट होते हैं। कॉपीराइट से मतलब ये है कि अगर वो आपने बाय नहीं किए हुए तो आप पे केस हो सकता है। यहाँ तो हर कुछ भी नहीं होता, मगर बाहर प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं या फ्रीलांस काम कर रहे हैं जो कि बाहर के लिए है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये वाला जो है ना उन्होंने फॉन्ट, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अगर आप चाहें तो बाय कर लें, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, आपको सिर्फ मेंशन करना है कि बस ये काम आप इस तरह कर लें तो अच्छा है, बाकी वो उसका खुद का जिम्मेदार है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है। तो आप उसको इस तरह कर दें। अच्छा इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, क्लिक कर दें, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर लें, ये वाला तो पता है ना हर एक को कि ये विनरार तो हर एक के पास है ना, जिसके पास नहीं है तो बताएं क्या कहते हैं, पता है हर एक को। मैंने डबल क्लिक किया तो लेट, आपका साबुन इतना स्लो है। अच्छा नहीं पता तो पूछ लीजिएगा फिर। क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर है ये,
अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ एक्सटेंशन है, नाम है इसके आगे एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी, टी एक्स टी, इसके बाद क्या लिखा हुआ है टी टी एफ, टी टी एफ का मतलब होता है ट्रू टाइप फॉन्ट, लिख लिया ट्रू टाइप फॉन्ट। ट्रू टाइप फॉन्ट कौन से होते हैं कि जैसे जेपेग है या इलस्ट्रेटर की फाइल जो सेव होती है तो इलस्ट्रेटर की एआई फॉर्मेट में सेव होती है, तो इसी तरह फॉन्ट जो सेव होते हैं वो उसकी जो मेन कैटेगरी है फॉन्ट सेव होने की वो है टू टाइप फॉन्ट। अब ये फॉन्ट का फाइल फॉर्मेट है सही ना, इस फॉन्ट की जैसे वर्ड की फाइल है मिसाल है, अब वर्ड की फाइल में कुछ भी हो सकता है, ट्रू टाइप, ट्रू टाइप वर्ड की फाइल में कुछ भी हो सकता है, इसी तरह ये जो है वो फॉन्ट की फाइल का एक्सटेंशन है टी टी एफ, ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड फाइल है, यानी कि ये आपने डाउनलोड जो अभी किया है और उसको फिर ओपन किया है ये वाली फाइल आप इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे, फ़िलहाल मुझे इलस्ट्रेटर बंद करना पड़ेगा क्योंकि जब इलस्ट्रेटर ओपन होता है तो फॉन्ट रीड करता है बस, उसके बाद रीड नहीं करता, तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के बाद मैं कंट्रोल पैनल ओपन करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा फॉन्ट में और फॉन्ट्स में आके मैं आसान से तरीका ये करूँगा कि इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ, सही है, यहाँ तक क्या कहते हैं समझ में आया? आपके पास नहीं हो पाएगा इसलिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेजेस लगी हुई होंगी, घर पे जाके आप कर सकेंगे, यहाँ से आप कुछ भी इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो फॉन्ट भी इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। इलस्ट्रेटर दोबारा से ओपन हुआ, नई फाइल खोली, आई अभी वाला फोन सही है, ये मुझे कैसे पता चला, इसलिए कि मैंने यहाँ पे इसका नाम पढ़ लिया था, यही वाला नाम जो है मैंने यहाँ पे आर सिलेक्ट करके इसको आर प्रेस करेंगे और फिर ओ प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा ये आ जाए, कोई सा भी कर वैसे तो साइंस। अच्छा सही, इसमें जैसे इन्होंने एक चीज़ अच्छी मेंशन की वो ये कि हम कौन से टाइप के फॉन्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे, खैर मैं उसके बाद आता, खैर टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो ही गया ये वाला, तो आगे सुन लीजिए, ये कि जितने भी आप लोगोज़ देखते हैं इंटेल, कौन सा लोगो है, कौन सा फॉन्ट है, सेंस सेरिफ, अच्छा पेप्सी, फाइंटा, सेंस सेरिफ, एडिडास, ठीक है ना, सेंस सेरिफ, मास्टर कार्ड, सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ, फेसबुक, सही है, एचपी, एजेस नहीं है, बिंग नहीं है, एजेस, गूगल सेंस सेरिफ, डेल सेंस सेरिफ, समझ में आ रहा है, तो वैसे तो नोट नहीं किया होगा आपने मगर ये बात अब आपके समझ में आई कि ज़्यादातर लोगों जो हैं, ये कोई रूल नहीं है अगेन मगर फिर भी ज़्यादातर लोगों जो हैं वो आपको जो मिलेंगे वो कौन से होंगे, सेंस सेरिफ होंगे, तो आप ये भी समझ लें कि आप जब लोगो बनाएं तो कोशिश करें कि सेंस सेरिफ यूज़ करें, क्यों, इसलिए कि रिसर्च से ये बात है कि जो सेंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं वो रीडेबल ज़्यादा होते हैं, अगर बोर्ड दूर लगा हुआ होगा और उसमें कोका कोला टाइप की राइटिंग हुई भी होगी, कोका कोला का लोगो देखा है ना आपने, सारा मिक्स हुआ हुआ है, तो वो इतना पढ़ने में नहीं आएगा है ना, क्योंकि
क्योंकि अगर कोई नई कंपनी होगी और इस तरह उन्होंने मिला के लिखा हुआ होगा आपस में, तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा। वो तो उनका ट्रेडिशन है, एक वक्त से चला आ रहा है, तो इस वजह से उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। मगर ज़्यादातर लोगों जो होते हैं वो ज़्यादातर सेंसरिये बनते हैं ताकि वो रीडेबल रहें, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि अगर बिजनेस कार्ड बना रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पे हम सेंस सेरिफ यूज़ करें, सही। इसी तरह अगर आप वेब के लिए यूज़ कर रहे हैं, वेब के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वेब के लिए एक ख़ास फॉन्ट है। वैसे तो चल तो हर एक जाता है, मगर यहाँ पे देखिए मैंने वी प्रेस किया सेलेक्ट करके, फिर उसके बाद ई प्रेस कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया। इसका नाम है वरदाना, इस फॉन्ट का नाम है। वी ई प्रेस किया मैंने वरदाना, ये आ गया फॉन्ट। ये वाला फॉन्ट अगेन रिसर्च से जो है ये है कि ये वाला फॉन्ट ज़्यादा रीडेबल है किसके लिए, वेब के लिए। तो अगर आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो वाला फॉन्ट यूज़ कर लें। अगेन ये कोई ये नहीं है कि आप जितनी वेबसाइट हैं सारी इसी पे बनी हुई हैं, मगर अगर 30-35% भी इस पे बनी हुई हैं तो भी ये है कि काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो वर्थ है। क्लियर। वैसे देख लीजिए इसको, ठीक है। हम फॉन्ट किस तरह, ये फॉन्ट कह रहा हूँ आपका, फॉन्ट की टाइप ये सब किस तरह देख सकेंगे, वो हम यहाँ पे टाइप में आते हैं और टाइप में आके यूज़ करते हैं ग्लिप्स, ठीक है। ये मैंने उस वक्त कहा था कि जब टॉपिक आएगा तो हम देखेंगे ग्लिप्स। ग्लिप्स में क्या होता है कि कोई भी फॉन्ट हो, जैसे इस वक्त हमारे पास कौन सा फॉन्ट है, वरदाना इंस्टॉल्ड है, इसमें कुछ हिडन वर्ड्स भी होते हैं, कुछ हिडन जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। जैसे देखें ये वाले सारे मिल रहे हैं, या यहाँ पे कॉपीराइट का मिल रहा है, ठीक है, रजिस्टर्ड का मिल रहा है, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ न्यूमेरिक हैं, कोई और शेप्स मिल जाएंगे वो फुली इसके अंदर, ये वाला है जैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क टाइप का है। तो आप डिज़ाइनिंग के आप पर्सपेक्टिव में ये कर सकते हैं कि इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये हमने किस तरह देखा था, ये हमने देखा था कि अगर हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हमने कौन सा फॉन्ट चूज़ किया था, यहाँ से हमने वेबडिंग फॉन्ट यूज़ किया था, क्लिक किया वेबडिंग के लिए, डब्ल्यू प्रेस किया, वेबडिंग आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, इंटर दबा दिया, वेबडिंग फॉन्ट आ गया। अब वेबडिंग फॉन्ट के अंदर वेबडिंग फॉन्ट के अंदर आपको क्या नज़र आएगा, वेबडिंग फॉन्ट के अंदर ये सारे आपको जो है ना आइकन नज़र आएंगे। इन आइकन्स को आप बड़ा भी कर सकते हैं ताकि ज़रा नज़र आता रहे, और इसको भी आप बड़ा कर सकते हैं ताकि दिख जाएगा क्या हो रहा है। जो सा भी करेक्टर आपको चाहिए, आपने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक कर दें इसको। सही, और बस यहाँ डबल क्लिक कर दें, यहाँ कैरेक्टर आते चले जाएंगे। सही, तो जो भी आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। अब हमने ये किया कि टेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये समझ में आया, ग्लिप समझ में आया, टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ, सही। मैं ये करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसका क्या कर सकते हैं, हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, या जो है वो इसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मगर मैं ये चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं कुछ और चेंजेस करना चाह रहा हूँ। वो किस तरह होगा, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको क्या करवाएंगे, एक्सपेंड करवाएंगे। जब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा जिस तरह आपने पेन टूल से इसको बनाया है। और इसमें अब आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं कि ये वाली एज जो है वो सही नहीं आ रही, मैं क्या करूं कि ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करूं और इसको आगे की तरफ ले आऊं,
या इसको जो है बड़ा कर दूं, या मैं क्या करूं कि इसका कलर चेंज करना चाहूं। फिलहाल मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूं, करूंगा अनग्रुप करने के बाद, और एक दफ़ा अनग्रुप कर लें। अच्छा चलें, खैर फिलहाल कुछ फ़ॉन्ट में अलग अलग ही होता है, वरना ये होता है कि जैसे इतना पार्ट अलग सेलेक्ट हो गया, इतना पार्ट अलग सेलेक्ट हो गया, इस तरह करके भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये हो नहीं रहा, मैं इसको फिलहाल हम एक साथ ही कलर चेंज कर लेते हैं, वरना ये कर सकते हैं कि आप इतना पार्ट अलग करके जो है बना लें। अभी कुछ सिनेरियो बन नहीं रहा, वरना हम इसको कोशिश करके कर सकते हैं। अगर ना भी बन रहा हो तभी भी आप ये करें कि वाइट वाले एरो से इसकी सिलेक्शन बनाएं, ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा। बहरहाल कर लेते हैं। ये इतना करने के बाद कंट्रोल सी, और यहाँ पे आएगा कंट्रोल वी, और आपके पास क्या हो गया, ये पार्ट अलग आ गया। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कलरिंग कर लें, जैसे मैं ये बीच वाले से सेलेक्ट करूँ या वाइट कलर कर दूँ, ठीक है। और ये जो बीच में कंट्रोल वाई प्रेस करते हुए नज़र नहीं आ रहा, मैं ये वाला सेलेक्ट करके इसमें कोई और कलर कर दूँ, ठीक है। इस तरह अलग अलग कलर कर सकता हूँ, इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। या जो है वो क्या हो सकता है कि आपने सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, वो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सपेंड, एक्सपेंड करने के बाद ओके, अनग्रुप, बीच वाला करेक्टर सेलेक्ट करें, और इसको हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, सही। कहीं देखा होगा आपने इस तरह करेक्टर कस्टमाइज हुए हुए होते हैं, या जो है वो आपने क्या किया है कि इसको मज़ीद कुछ चेंजेस कर लें, जैसे इतना पीस सेलेक्ट किया, इसमें कुछ चेंज कर लिया। चूँकि अभी टेक्स्ट तो रहा नहीं है, ये इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि डिज़ाइनिंग हमने यहाँ पे देखी थी, कैसी, कौन सी वाली, सब सब अलग अलग तरीके से बनी हुई है, ये अलग टाइप तरीके से है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये तो फॉन्ट ही है, उसको खाली प्लेस किया हुआ है बस, ठीक है। चलें हम क्या करते हैं कि एक एक करके जो है ना वो कोशिश करते हैं इसको बनाने की। जैसे अगर हम इस वाले को देखें, तो ये वाला अगर आपको बनाना हो तो किस तरह करेंगे टाइपोग्राफी, याद रखिएगा। मगर टाइपोग्राफी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि डिज़ाइन बना देना है, टाइपोग्राफी का मतलब ये है कि अगर आप ब्रोशर ही बना रहे हैं और आपने टेक्स्ट को किस तरह अच्छी तरह से प्लेस किया हुआ है वहाँ पे, तो वो भी टाइपोग्राफी है, या उर्दू में भी किया हुआ है तो वो भी टाइपोग्राफी ही है। खैर अगर हम इस तरह की शेप बनाने की कोशिश करें तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको शेप रख के और उसके बाद करेक्टर खुद अपनी मर्जी से रखने पड़ेंगे, सही ना। मगर इसका एक और शॉर्टकट तरीका भी है जो कि सही नहीं है, मगर देख लीजिए क्या।
कोई भी टेक्स्ट जो आपको सही लगे। वो आपने प्लेस कर दिया। कोई भी शेप आपने जो है वो बना लिया, और शेप बनाने के बाद आपने क्या किया कि इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर दिया। ये क्या किया मैंने, क्लिपिंग मास्क। किसको नहीं पता क्लिपिंग मास्क के बारे में, Ctrl 7 दोबारा देखिए। कुछ शेप्स हैं हमारे पास, और इन शेप के ऊपर हमने कोई और ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है। इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, मगर याद रखिएगा कि शेप सारे नीचे होंगे, और वो वाला शेप जिसके आउटलाइन रह जाएगी वो कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। और ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद Ctrl 7 या ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क मेक। अब क्या होगा, शेप कौन सा रह जाएगा, सबसे ऊपर था गोल वाला, और शेप अंदर से नज़र कौन सा आ रहा है, ये वाला। यहाँ पे भी मैंने यही किया कि टेक्स्ट को नीचे रखा और ये वाला बबल शेप जो है ये ऊपर रखा, Ctrl 7 दबा दिया, तो टेक्स्ट उसके अंदर क्लिप होके आ गया। क्या मतलब कट हो गया ना, देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखें कितने स्टार आए थे, सारे तो नहीं आ गए थे, क्या ख्याल है। बस जैसे यहाँ नहीं आए थे वैसे वहाँ पे भी नहीं आए थे। और बात ही यही है जो आप कह रही हैं, यही बात सही भी है कि जो है शुरू में मैंने ये कहा था कि ये सही तरीका नहीं है, इसी वजह से क्यों, इसलिए कि देखें यहाँ पे क्या होगा, वर्ड कट जाएगा, इट हैज़ तो आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। जबकि अगर हम इस वाले में देखें तो इसमें पूरे पूरे वर्ड पूरे आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा कि कोई वर्ड कटा हुआ है यहाँ, ठीक है, सही में। अच्छा तो ये भी, ये कैसे बना होगा, मैनुअल तरीके से लिखा हुआ होगा, मगर उसमें टाइम बहुत लगा होगा। चलिए हम एक और तरीका देखते हैं। टेक्स के कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे टाइप टूल के नीचे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, एरिया टाइप टूल। ये चीज़ यहाँ समझ लें अच्छी चीज़ है, वो ये कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई आर्ट वर्क बनाया हुआ है, इस आर्ट वर्क में के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप टेक्स्ट टूल का आइकन देखते हैं तो कैसे नज़र आता है, एक छोटा सा एरो नज़र आता है, उसके चारों तरफ डॉटेड लाइन होती है और बीच में एक स्लेब या कह लें एक एक लाइन सी होती है, नज़र आ रही होती है। मगर जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, ये देखें क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है।
इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है उसको किसमें, एरिया टाइप टूल में। तो होता क्या है, जनरली लोग कहते हैं कि भाई मैं इसके ऊपर नहीं लिख सकता, या मैंने लिखा था तो वो कलर गायब हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर कसूर नहीं, ये है ही ऐसा, ऑप्शन ही ऐसा है। तो इसका आसान तरीका ये है कि अगर आपको इसके ऊपर कुछ लिखना है तो आप इसके कॉर्नर पे लाके ना लिखें, इसके जब ये आप आइकन देखें या दोबारा से रेक्टेंगल हो जाए तब जाके क्लिक करें उसके ऊपर कुछ लिख दें। या फिर आप जो है वो कुछ बाहर लिखें और बाहर लिखने के बाद इसके ऊपर भी रख लें। मगर ये एरिया टाइप टूल है क्या ये देखते हैं। टाइप टूल के नीचे एरिया टाइप टूल है, इसका आइकन जो है वो ऑलरेडी गोल है, चाहे कहीं भी रखें आप। जब मैं इसको ला के यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ये इसका कलर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे कुछ कर्सर आ जाएगा। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ, यानी कि यहाँ से मैं टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, अभी तो फ़िलहाल इसका शेप कुछ और आ रहा है, मगर इसकी जगह पे मैं अगर कोई और फॉन्ट चूज़ कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, शेप पूरा आ जाएगा और ये वर्ड्स ही पूरे आ जाएंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आके क्या करूँ कि पैराग्राफ में आके, प्रैक्टिस का टाइम दूंगा भैया भी, पैराग्राफ में आके मैं इसको क्या करूँ कि जस्टिफाई कर दूँ। किसको नहीं पता लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई का, जिसको नहीं पता वो बता दें अभी। पता है तो मैं टाइम लगाया करूँगा बताने का, और जिसको नहीं पता तो पूछ लें। पता है तो ठीक है, जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई करने से क्या होगा, ये पूरा शेप अपना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो यही काम अगर मैं क्या करूँ इसके साथ करूँ कि अच्छा, यहाँ पे कलर भी गायब हो जाता है ना, तो कलर के लिए मैंने क्या किया, तो एक कॉपी बनाई हुई थी इसकी पहले से, वो रख देता हूँ, तो क्या होगा, नीचे येलो कलर आ रहा होगा और ऊपर आपका ये आ गया। यही काम करें हम इसके साथ भी कि एरिया टाइप टूल से, अच्छा ये कभी एरर आता है तो कोई मसले की बात नहीं है, थोड़ा सा आपको इस तरफ या इस तरफ क्लिक करना पड़ेगा एज पे आके, तब कहीं जाके हो जाएगा। कभी कभी ये शेप ख़राब भी हो जाता है, इसकी वजह से ये नहीं होता। हाँ, ठीक है, मैंने क्या किया, देखिए मैंने ये किया था कि ये याद है ये क्या था, ये जो है वो आपका टेक्स्ट था, टेक्स्ट वेबडिंग फॉन्ट था ना, वेबडिंग फॉन्ट को मैंने क्या किया, एक्सपेंड किया था। एक्सपेंड करने के बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में किया, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद क्लिपिंग मास्क के नीचे का ऑप्शन होता है कंपाउंड पाथ, ये टाइम आएगा तो बताऊंगा क्या होता है। कंपाउंड पाथ में रिलीज़ का ऑप्शन आ रहा था, ये अभी तो खैर मैंने कर दिया इस वजह से नहीं आ रहा, वरना पहले आ रहा था, मैं अंडू करता हूँ शायद आई जाए। ये आ रहा है रिलीज़ का, अंडू कर दिया था मैंने, तो इस पे क्लिक कर देंगे। अब दोबारा से आप क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके ट्राई करके देखें तो ये अब आ जाएगा, सही है। यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस दफ़ा क्या होगा कि जितने भी करेक्टर हैं वो पूरे पूरे आ रहे होंगे, ठीक है। अभी तो खैर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, मगर ये पूरी कंप्लीट लाइंस हैं, और फिर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस से मतलब ये है कि इसका फॉन्ट छोटा कर लिया, या जो है वो इसको इसकी इस जो लीडिंग है वो कम ज़्यादा कर ली, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये कॉल आउट के शेप की तरह का बन जाएगा, थोड़ा सा नीचे से फॉन्ट कम हो रहा है, सही। तो वो बबल टाइप का शेप पूरा इस तरह बन जाएगा। अब अगर इसमें मैं ये करना चाहूँ कि अगर किसी एक वर्ड को बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं आप, ठीक
ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। सही है, ठीक है। तो कुछ हद तक आपका ये वाला शेप जो है ये इससे बन सकता है, सही। मगर ये मेहनत इतनी ज़्यादा ही हो जाएगी कि आप कहेंगे यार मैं इसको खुद ही से बना लूँ। क्यों? इसलिए कि देखें ना, कितने वर्ड छोटे और कितने वर्ड बड़े। तो अगर आप हर एक को छोटा बड़ा करते रह जाएंगे तो आप मैन्युअली ना प्लेस कर लें इसको, सही। तो ये एक तरह की टाइपोग्राफी है जो आपने देखी। इसके अलावा और क्या हो सकता है ये? लेकिन ये एग्जांपल तो आपको नज़र आ ही रही है कि स्पायरल बनाया। स्पायरल बनाने के बाद टेक्स्ट टूल में तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसका नाम है टाइप ऑन अ पाथ। टाइप ऑन अ पाथ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसकी एज पे लाके क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं कुछ कॉपी पेस्ट कर दूँ। जहाँ पे ये रेड मार्क आ रहा होता है इसका मतलब होता है कि टैक्स अभी रह गया, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। बस ये कर सकता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट छोटा कर दूँ। तो फ़ॉन्ट छोटा करने से हो जाएगा, मगर अगर आप बड़े फ़ॉन्ट रिक्वायर्ड है नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप छोटा ही पैराग्राफ उठाएं, बड़ा पैराग्राफ ना उठाएं, ताकि वो एरिया प्रॉब्लम ना करे आपको, ठीक है। फिलहाल इसको इग्नोर करें। तो ये पाथ कोई भी हो सकती है, चाहे आपने पेन टूल से बनाई हुई हो। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद चाहें तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन से दे रहे हैं कि मेक विद वॉर्प, ठीक, उस पर क्लिक करें और यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, वॉर्प ऑप्शन आ जाएगा। या ऑब्जेक्ट में जाएं, इनवेलप डिस्टॉर्ट में आएं और यहाँ पे भी मेक विद वॉर्प आ रहा है, इसमें भी ये आ जाएगा, ठीक है। या इसके अलावा अफेक्ट में जाएँ, और वॉर्प के अंदर आ जाएं, तभी भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन एक ही है। क्या काम करना होगा आपको, इससे क्या मिलेगा कि अगर मैं प्रीव्यू ऑन करूं तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। मगर याद रखिएगा, ये टेक्स्ट ज़रूरी नहीं है, इसकी जगह कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। भले ही आप रेक्टेंगल बना लें, उसके ऊपर इस तरह बैंड करना हो वो भी कर लें, क्योंकि खुद से तो बैंड करना मुश्किल होता है। अगर आपके पास ये वाला रेक्टेंगल है और आप ये चाह रहे हैं कि ये इस तरह बैंड हो जाए, तो फिर क्या करेंगे आप कि यहाँ पर तो आपको मुश्किल है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ नए पॉइंट लगाएंगे, उसको उठाएंगे, इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या कीजिए कि ऑब्जेक्ट में जाएँ
के स्टार्ट मेक विथ वॉर, ओके, तो ये क्या हो गया, इस तरह बैंड हो गया, सही। ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह। यहाँ पे मजीद और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बैंड कितना होगा, या डिस्टॉर्शन में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन कर देंगे तो एक तरफ से बड़ा हो जाएगा एक तरफ से छोटा हो जाएगा, और वर्टिकल कर देंगे तो ये ऐसे रिबन टाइप की शेप बन जाएगी। शेप कोई भी बन सकता है, ये हो गया। या अगर आप टेक्स्ट पे करते हैं तो भी कुछ इस तरह हो जाएगा। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेशनली हम इसको वार्प नहीं करते। जितने भी आपने टेक्स्ट देखे होंगे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी चीज़ है उस पर, भले आपको ऐसे बैंड हुआ हुआ टेक्स्ट नज़र आए मगर वो टेक्स्ट वार्प नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि अगर मैं यहाँ पे एक ये ऐसे क्यों आ रहा है, कौन बताएगा? देख रहे हैं मैं आर लिख रहा हूँ वो कहीं जा रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है? स्पेसिंग, हाँ इस कह सकते हैं, इसमें हमने इसको क्या किया, जस्टिफाई किया। पैराग्राफ में जाके इसको लेफ्ट अलाइन करना सही है, वैसे फिलहाल ठीक ही है। तो इन दोनों में बताएं, जरा मैं छोटा कर लूँ, इन दोनों में बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए ये वाले कैरेक्टर जो हैं वो क्या हैं, सीधे हैं। इसका ई देखें, इसका ई देखें, ठीक है। तो टेक्स्ट अगर आपको सही रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप होना पास से ही काम चलाना पड़ेगा, वरना क्या होगा ये डिफॉर्म हो जाएगा, क्लियर। मगर सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी हम कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट में जाइएगा, उसे चेक कर लीजिएगा, मेक विद वॉर्प में जाके मैंने आपको सिर्फ बता दिया ये वाले, बाकी आप करते रहें। जैसे यहाँ से फ्लैग है, खुद से इसको ज़्यादा कर लें, कम कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ठीक है। फिश आए है, स्क्वीज है, ठीक है। आपको कर करके देखना है बाकी में क्या होता है। मैक्सिमम जो इसमें एक चीज़ आप नहीं देख पाएंगे वो ये है कि जैसे मेरे पास ये आ गया तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या कर सकता हूँ कि इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके भी इसको मूव कर सकता हूँ। जैसे इसके बाद अगर मुझे कुछ जगह पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो मैं यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये इसमें एडिशनल फीचर है जो आप वैसे नहीं देख पाएंगे, बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो अगर कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ से बाद में भी कर सकते हैं। सही, जैसे यहाँ से डिस्टॉर्शन आ रही है थोड़ी आर के ऊपर, मॉडिफाई कर लें, चाहे कुछ बेहतर हो, ठीक है।